लेट स्टार्ट विथ पार्ट सिक्स ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस इन विच आई हैव डिस्कस्ड अबाउट ट्रसेस एनालिसिस ऑफ डिटरमिनेट ट्रसेस डिफ्लेक्शन एंड ट्रसेस एनालिसिस ऑफ रिडंडेंट ट्रसेस एंड ILD फॉर फोर्सेज इन ट्रस मेंबर। इट इज डिवाइडेड इन फोर सेक्शंस पार्ट सिक्स पार्ट सेवन पार्ट एट पार्ट नाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विथ ट्रसेस इंट्रोडक्शन एंड इट्स एजम्पशन। तो ट्रस होता क्या है? ट्रस ट्रस इज अ स्ट्रक्चर इन विच ऑल मेंबर आर सब्जेक्टेड टू इधर टेंशन और कंप्रेशन ओनली। इसका मतलब है कि जो उसमें बेंडिंग मोमेंट होगा, बेंडिंग मोमेंट हर जगह पे, ट्रस में बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू जीरो एवरीवेयर। एक ट्रस है, ट्रस ट्रस के कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि उसमें जितने जॉइंट्स होंगे वो पिन जॉइंटेड होंगे, जितने मेंबर्स होंगे उनमें या तो टेंशन होगा या कंप्रेशन होगा। तीसरा होगा कि जो बेंडिंग मोमेंट है हर मेंबर में जीरो ही होगा, क्योंकि अगर किसी में बेंडिंग मोमेंट इनकेस होता है, इनकेस किसी में बेंडिंग मोमेंट होता है तो फ्रेम जैसा वर्क करने लगेगा। ठीक है, तो फ्रेम जैसा वर्क करने लगेगा तो ट्रस थोड़ा ना होगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक फ्रेम हो जाएगा। अब एजम्पशन क्या कही, तो इंट्रोडक्शन एक स्मॉल पार्ट है, ट्रस्ट के बारे में कोई पूछे तो तीन चार लाइन आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है कि एजम्पशंस, तो फर्स्ट एजम्पशन है कि ऑल लोड मस्ट बी अप्लाइड ओनली एट द जॉइंट। ट्रस्ट में हमें जो लोड्स हमेशा जॉइंट्स पे अप्लाई करने चाहिए, क्योंकि अगर हम बीच में मेंबर में अप्लाई करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करेंगे, वो बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करेंगे तो मतलब वो ट्रस्ट के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे होंगे, तो फुलफिल नहीं करेंगे तो वो ट्रस होगा नहीं, फ्रेम बन जाएगा। तो जो इसका एक जनरल आइडिया है कि जो ऑल मेंबर्स हैं मस्ट बी अप्लाइड ओनली एट द जॉइंट्स। दूसरा क्या है, ऑल द मेंबर्स मस्ट बी स्ट्रेट एंड कनेक्टेड बाई ए स्मूथ बीम। ठीक है, तो ऑल मेंबर्स आर कनेक्टेड बाई ए स्मूथ बीम, क्योंकि अगर नहीं होता है, ठीक है, इनकेस अगर कर्व होता है, मान लो स्ट्रेट बीम नहीं, तुमने कर्व बीम, आपने कर्व बीम लगा दी, कर्व बीम लगा दी तो जो कर्व बीम होगी तो उसमें फोर्स आएगा, फोर्स क्या होगा, फोर्स जॉइंट टू जॉइंट फोर्स आएगा, तो वो क्या बेंडिंग मोमेंट जनरेट करेगा, तो वो फिर से क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेगा, तो वो क्या होगा, वो भी ट्रस नहीं होगा। तो हमें जो हमारा ट्रस मेंबर है वो भी हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए, वो कनेक्टेड पिन टू पिन कनेक्टेड होना चाहिए। तीसरा तीसरा होना चाहिए इसके जो कुछ कंडीशन हैं ट्रस की, सबसे पहली कंडीशन m = 2j - 3, m > 2j - 3, m < 2j - 3। तो m = 2j - 3 है, हियर m क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स, j नंबर ऑफ जॉइंट्स। तो m = 2j - 3 है, तो वो जो ट्रस होगा, ट्रस की प्रॉपर्टी होगी तो वो स्टेबल होगा और परफेक्ट है। और इस लेक्चर में हम वही डिटरमिनेट होगा, उसी डिटरमिनेट स्ट्रक्चर की हम लोग स्टडी करेंगे। और इफ m > 2j - 3 हो जाएगा तो मतलब मेंबर्स हमारे पास ज़्यादा हैं तो डिफिशियंट और अनस्टेबल ट्रस हो जाएगा। इफ m < 2j - 3 है तो क्या हो जाएगा, तब वो इंटरनली रिडंडेंट ट्रस होगा, इंटरनली रिडंडेंट ट्रस, मतलब उसमें मेंबर्स कम है, मेंबर्स हमें उसमें रिक्वायर्ड, मतलब फोर्स देना है कहीं ना कहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ट्रस की एनालिसिस किस तरह करते हैं। ट्रस की एनालिसिस जनरली हम दो तरह से करते हैं, पहला मेथड है मेथड ऑफ जॉइंट और दूसरा मेथड ऑफ सेक्शन। दोनों को अलग अलग हमने आगे बताया है कि कैसे सॉल्व करना है मेथड ऑफ जॉइंट से और कैसे मेथड ऑफ सेक्शन से। अब हम पहले स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ जॉइंट। तो मेथड ऑफ जॉइंट से जब हम सॉल्व करते हैं तो इसमें सबसे पहले हमको याद रखना चाहिए कि इक्विलिब्रियम ऑफ जॉइंट इज कंसिडर, किसी भी जॉइंट पे इक्विलिब्रियम कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है तो हमको कंसिडर करना है उसको। इससे पहले कुछ नोट पॉइंट्स हैं उनको याद कर लीजिए, उनको आपको पता होना चाहिए, क्या भाई याद पता होना चाहिए। एक तो कि टेंसाइल फोर्स कैसे लग रहा होता है, उसके नोट से नोट अगर वो मेंबर खींच रहा होता है, बाहर की तरफ पुल हो रहा होता है तो टेंशन होता है, और बाहर से मतलब बाहर से दो फोर्स लग रहे हों, उसको अंदर कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, उसको दबा रहे हों, प्रेस कर रहे हों, तो वो क्या होगा, वो टेंशाइल, वो कंप्रेशन, कंप्रेशन मेंबर हो जाएगा। तो ये याद रखना है कि कौन सा टेंसाइल है कौन सा कंप्रेशन, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो अपने फोर्सेस निकाल लिए उसके बाद आपको मेंशन करना होता है कि ये मेंबर टेंशन, इस मेंबर में टेंशन फोर्स आ रहा है, इसमें कंप्रेशन फोर्स आ रहा है, ऐसे इस टाइप में आपको टेबुलेशन फॉर्म में करना चाहिए। अब नेक्स्ट नोट में और दूसरा पॉइंट है कि निकालने के लिए जैसे आपको इजी हो जाए कि दो मेंबर अगर स्ट्रेट है, मतलब एक जैसे
सेकंड जो पॉइंट मैंने बनाया है, डी ए और ए बी अगर स्टेट फोर्स, स्टेट फोर्स हैं या स्टेट मेंबर्स हैं, ठीक है, तो जो उनमें से, उनमें अगर कोई तीसरा मेंबर, जैसे ए से कोई तीसरा मेंबर किसी, जो एंगल हो थीटा ग्रेटर देन जीरो, टेन जीरो कोई भी एंगल पे हो, तो जो फोर्स होगा वो जो तीसरा मेंबर होगा जो थीटा एंगल पे बना होगा, उसमें फोर्स हमेशा जीरो होंगे, जीरो होगा। लेकिन सिर्फ एक मेंबर होना चाहिए, मतलब डी ए और ए बी दो स्टेट मेंबर हैं या स्टेट फोर्स हैं, तो इनसे जो तीसरा फोर्स या तीसरा मेंबर निकलेगा अगर ए पे, ठीक है, वो किसी भी एंगल पे हो, तो वो फोर्स इक्वल टू जीरो होगा। तो इसको मैं चाहता कि क्वेश्चन आपको ट्रस्ट में फोर्स निकालने में आसानी हो जाएगी। तीसरा क्या है कि अगर, तीसरा है कि अगर दो मेंबर ए बी और ए सी, मतलब ए बी और ए सी हैं, इफ दो मेंबर ए बी और ए सी हैं और ए पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ए पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ए बी और ए सी में जो फोर्स होगा वो हमेशा जीरो होगा, ठीक है। मतलब इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि इफ टू नॉन कोलिनियर मेंबर आर मीटिंग एट ए ज्वाइंट विथ नो एक्सटर्नल लोड एट दैट ज्वाइंट देन फोर्सेस इन बोथ मेंबर इज जीरो, ठीक है। मतलब अगर दो नॉन कोलिनियर मेंबर्स हैं, मतलब जैसे जो थीटा, थीटा के रन जीरो होने चाहिए, नॉन कोलिनियर मेंबर, कोलिनियर नहीं है, मतलब थीटा मतलब ए बी और बी सी, ए बी और ए सी मतलब स्ट्रेट लाइन में नहीं है, कोलिनियर नहीं है, तो मतलब किसी एंगल पे हैं, तो किसी दो मेंबर ए बी और ए सी एक जॉइंट ए पे मिल रहे हैं और ए पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो उस पे जो फोर्स होगा ए बी और ए बी और ए सी में वो जीरो होगा, ठीक है। तो हम सॉल्व कैसे करते हैं, एक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने एक ट्रस बनाया है ए बी सी डी, तो इसमें फोर्स हमारा लग रहा है 10 किलोन्यूटन का। तो हम देखो, सबसे पहले जो इसमें दो मेंबर नॉन कोलिनियर मेंबर हैं, इसमें जॉइंट पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो मेंबर सीधे सीधे जीरो हो जाएगा। दूसरा ए पे, ए पे रिएक्शन है, उसके ऊपर फोर्स है, ठीक है, तो ए बी जो फोर्स होगा वो भी जीरो होगा। और जैसे 10 किलोन्यूटन लग रहा है, उसके बाद डायगोनल मेंबर है, जो तीसरा ए सी मेंबर है वो भी जीरो होगा। तो इसको हम जो सॉल्व करते हैं, तो हमको जैसे एच ए निकालना है, एच ए निकालना है, एच ए निकालना है, तो क्या हो जाएगा, एच 10 cos 45° इक्वल टू 10/√2, 5 √2 √2, तो एच ए निकल गया। वी ए क्या होगा, वी ए जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि उस वाले पे कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो वी ए प्लस वी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 sin 45° वी डी इक्वल टू 5√2। सिंपल है इसको, मतलब सिंपल ही है सॉल्व। इसके बाद एक और कंडीशन आपको याद रखनी है कि तीन अगर फोर्सेस एक जॉइंट पे लगे, तो उसमें अगर तीनों में से कोई दो पता है, एंगल तीन के पता है आपको, ठीक है, तो तीसरा फोर्स कैसे निकालेंगे। तो वही नॉर्मल, आप ये आप पढ़े भी हैं कई बार, सीखिए भी होंगे बचपन से, F1 upon sin θ1 इक्वल टू F2 upon sin θ2 इक्वल टू F3 upon sin। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मैथड ऑफ सेक्शन। मैथड ऑफ सेक्शन, मैथड ऑफ जॉइंट, दो मैथड होते हैं जनरली, हम लोग मैथड ऑफ जॉइंट यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा सॉल्व उसमें टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अभी नेक्स्ट है मेथड ऑफ सेक्शन, ये किसी पर्टिकुलर मेंबर में हमको फोर्स निकालना है, उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है, कट कर दो सेक्शन, फिर उस हिसाब से इसमें फोर्स निकालो, तो इससे थोड़ा जल्दी आता है। तो इसमें क्या क्या है कि मेथड ऑफ सेक्शन, इक्विलिब्रियम ऑफ सेक्शन ऑफ ट्रस इज कंसिडर्ड इन मैथड ऑफ सेक्शन। इसका एडवांटेज क्या है, फोर्स इन एनी इंटरमीडिएट मेंबर कैन बी फाउंड डायरेक्टली विदाउट फाइंडिंग फोर्स इन एनी अदर मेंबर। वही जैसे हमने बताया कि अगर अगर आपको हर मेंबर का नहीं निकालना, सिर्फ एक मेंबर किसी निकालना है, तो आप पूरे मेहनत क्यों करोगे, आप सीधे उस मेंबर में निकाल लो, तो उसको मेथड ऑफ जॉइंट से आराम से निकाल सकते हैं। प्रोसीजर क्या होता है इसको सॉल्व करने में, सबसे पहले कट करना होता है ट्रस को इन टू सेपरेट पार्ट्स में, टू सेपरेट पार्ट्स में ऐसे कट करना होता है कि जिस मेंबर में आप, वो मेंबर भी आपका कट हो रहा हो, ठीक है। तो जब हम ऐसा करेंगे, तो फिर हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन की मदद से हम उस मेंबर में फोर्स निकालेंगे, ठीक है। प्रोसीजर में एक पॉइंट और है कि हम प्रेफरेबल करते हैं कि डोंट कट मेंबर्स मोर देन थ्री, तीन मेंबर से ज़्यादा एक बार में ना कट, अगर कट हो मतलब आप कोई ऑप्शन ही नहीं है तब तो अलग चीज़ है, लेकिन हमको कोशिश करनी चाहिए तीन मेंबर से ज़्यादा कट ना हो,
उससे ज़्यादा कट होंगे तो हमको जो हमारी इक्विलिब्रियम इक्वेशन होगी उसमें सॉल्व करने में दिक्कत होगी, नंबर ऑफ मेंबर ज़्यादा हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 ही होती हैं तो दिक्कत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या था, कट द मेंबर सच दैट ऑल द कट मेंबर्स डू नॉट मीट एट वन जॉइंट, वही कि हम अगर 3 मेंबर कट कर रहे हैं और ऐसे 3 मेंबर कट कर दिए कि तीनों एक जॉइंट पे मिल रहे हैं, तो तीनों जॉइंट पे मिल रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो जो हम ऐसे कट करना चाहिए कम से कम कि हमारा जो फोर्स वाला है वो उस पर ना मिल रहा हो या तो कोई एक ना मिल रहा हो जिससे हम लोग कम से कम फोर्स निकाल सकें। अब तो इसको हम एग्जांपल समझते हैं, जैसे नीचे ट्रस आपको दिया हुआ है इसमें ए बी सी डी ई, इसमें आपको फाइंड करना है फोर्स एट सी ई करना है। तो हमने क्या बताया, कट द ट्रस इंटू टू सेपरेट पार्ट, इस ट्रस को दो सेपरेट पार्ट में कट करना है। अब कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं, हमको फोर्स कहाँ निकालना है, सी पे, तो ऐसा कट करना है कि सी ई कट हो, हमारा सी पार्ट वाला कट हो जाए। सी पार्ट कट हो तो कैसे कट हो, ऐसे कट हो कि क्योंकि अब और उसमें क्या है कि कट द मेंबर सच दैट द कट मेंबर डू नॉट मीट एट वन जॉइंट, तो इसमें तो दो कट हो रहे हैं, दो तीन मीट हो रहे हैं। जो मान ली अगर आप ऐसा कट करो कि उसमें ए ई बी बी ई सी ई ई डी चारों, तो कोई मतलब ही नहीं, चारों एक पॉइंट मीट कर रहे हैं। तो आप कट करो जैसे बी सी को कट कर रहा है, सी ई को कट कर रहा है, डी ई को कट कर रहा है, तो उसको एक लाइन हम कट कर दी, वन वन सेक्शन कट किए, उसको अलग से आप ड्रॉ कर लीजिए सी डी। तो उसमें क्या होगा, उसमें जो बी सी फोर्स है और एफ सी ई है और जो हमें रिएक्शन है वो तुमको पता ही है। तो सीधे सिंपल आपको कुछ नहीं करना, समेशन वाई मतलब जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन में इसे एक नहीं होता, तो समेशन वी वर्टिकल रिएक्शन कुछ तो जीरो कर दीजिए। तो वर्टिकल रिएक्शन कुछ तो आप जीरो करेंगे तो एफ सी ई साइन 45 डिग्री कुछ टू 5 हो जाएगा, तो एफ सी इक्वल टू 5 रूट 2 मिल जाएगा, सिंपल हो जाएगा। क्योंकि एफ बी सी क्या है, हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल में हमको रिएक्शन पता है, तो एफ सी इक्वल टू एफ सी ई साइन 45 इक्वल टू 5 कर देंगे, इसलिए एफ सी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमसे एफ बी सी बोल रहा होता कि एफ बी सी बताइए, तो एफ बी सी या तो पहले हम एफ सी ई निकालें फिर एफ बी सी निकालें, एक ऑप्शन ही हो सकता है। लेकिन यूज़ कर ही रहे हैं मेथड ऑफ सेक्शन, तो ऐसा क्यों ना करें कि हम सीधे अब बी सी निकाल लें। तो बी सी कैसे निकालेंगे कि जो अब इक्विलिब्रियम इक्वेशन में मोमेंट वाली कि एट ई एट पॉइंट ई जॉइंट ई मोमेंट एट ई इक्वल टू 0 कर दें, तो क्या हो जाएगा, एफ बी सी इंटू 3 एंटी क्लॉक वाइज है, तो माइनस एफ बी सी इंटू 3 माइनस जो एट पॉइंट डी पे फोर्स है मतलब रिएक्शन एट डी इंटू 3 इक्वल 0, तो एफ बी सी इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस रिएक्शन एट डी इक्वल टू -5, -5 है मतलब कंप्रेशन, क्योंकि हमने जो उसमें दिया है फोर्स उसमें एज्यूम किया था, फोर्स के क्या एज्यूम किया था, उसमें टेंशन एज्यूम किया था, लेकिन आंसर क्या आ रहा है, कंप्रेशन। अगर वहाँ पे हम कंप्रेशन एज्यूम करते तो वो आंसर यहाँ पे माइनस ना आता, वहाँ यहाँ पे प्लस आता, क्योंकि हम जो एज्यूम कर रहे हैं, आप एज्यूम कर लीजिए कुछ भी एक बार एज्यूम करके सॉल्व कर, लेकिन सबको सेम उसी हिसाब से एज्यूम करिए, तो आपका जो अगर आंसर अपोजिट डायरेक्शन आ रहा है, अपोजिट अपोजिट आ रहा है मतलब माइनस आ रहा है, तो मतलब आपने जो डायरेक्शन लिया है वो गलत लिया है, तो उसको पॉजिटिव कर दीजिए। अब हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ये सीधे सीधे कभी कभी पूछ लेता है कि होता क्या है, जैसे आपका कोई कन्वेंशनल पेपर है तो वहाँ पूछ लेगा डायरेक्ट, या कभी कभी ऑप्शनल में पूछ लेगा ट्रांस प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होगा, इसमें इंटरनल इफेक्ट क्या और एक्सटर्नल इफेक्ट, तो होता क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, इट स्टेट्स दैट एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ ए फोर्स द एक्सटर्नल इफ द एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज नॉट चेंज व्हेन एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज नॉट चेंज व्हेन इट इज रिप्लेस्ड एनी वेयर अलॉन्ग इट्स लाइन ऑफ एक्शन बट इंटरनल इफेक्ट में चेंज, समझे। मतलब जो हमारे फोर्स हैं, कोई फोर्स है, फोर्स का जो एक्सटर्नल इफेक्ट है उसकी अगर हम पोजीशन चेंज कर देते हैं, मतलब उसको उसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, उसका डायरेक्शन चेंज ना कर, उसकी पोजीशन चेंज कर देते, एक्सटर्नल इफेक्ट है ऑफ फोर्स जो वो चेंज नहीं होगा, लेकिन जो इंटरनल इफेक्ट होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे नीचे हमने दिखाया है कि एक एक बीम है जिसमें
टेंशन लग रहा है पीपी का, ठीक है, तो अगर वो जो फोर्स पी है उसको उठा के हम पीछे लगा दें और जो दूसरा पी है उसको आगे लगा दें, तो उस पर्टिकुलर मेंबर के लिए, जो दूसरा मेंबर, उसके लिए वो क्या दिखा रहा हो, उसके लिए वो कंप्रेशन दिखा रहा हो, जो मेंबर होगा उसमें उसके अंदर कंप्रेशन आ रहा होगा, तो जो एक्सटर्नल इफेक्ट है, जो फोर्स है, फोर्स तो वो अपना उसी डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन उसकी वजह से जो मेंबर में इंटरनल चेंजेस आ रहे हैं, मतलब वो टेंशन से कंप्रेशन में बदल जा रहा है। तो इसको एक टेबुलेशन फॉर्म में मैंने लिख दिया है कि इंटरनल इफेक्ट अगर टेंशन में है तो एक्शन इफेक्ट वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब वो उसमें कोई चेंज नहीं, वो जिस डायरेक्शन में मूव करे मूव करेगा, तो अगर टेंशन है तो भी वो इक्विलिब्रियम में होगा एक्सटर्नल इफेक्ट, तो जब कन्वर्ट कर देंगे तो वो कंप्रेशन में हो जाएगा इंटरनल इफेक्ट, लेकिन वो फिर भी इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इस तरह आपका एनालिसिस ऑफ इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अभी क्वेश्चन मैंने नहीं करा है ज़्यादा, आप ट्राई करिए, इफ देर इज एनी डाउट देन प्लीज कमेंट इन द बिलो, सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। थैंक यू।